नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का चिर परिचित दोस्त और आप सभी के अपने चैनल संजीवनी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस यूरिक एसिड। यूरिक एसिड और गठिया को ठीक करने के कुछ घरेलू उपाय। यूरिक एसिड आज बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसकी वजह से गठिया, जोड़ों में दर्द और आर्थराइटिस की परेशानी हो रही है। कुछ उपाय हैं जिनके जरिए यूरिक एसिड का इलाज किया जा सकता है। रोजाना 2 से 3 अखरोट खाएं। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगता है। हाई फाइबर फूड जैसे ओटमील, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस खाने से यूरिक एसिड की ज़्यादातर मात्रा एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका लेवल कम हो जाएगा। बेकिंग सोडा के सेवन से भी यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 गिलास पानी में मिलाएं और अब इस मिश्रण के 8 गिलास रोजाना पिएं। ऐसा करने से यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। दरअसल बेकिंग सोडा यूरिक एसिड के क्रिस्टल को तोड़ने और उन्हें खून में घोलने में मदद करता है, लेकिन ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा ज़्यादा ना लें, क्योंकि इससे आपके हाई बीपी की दिक्कत हो सकती है। अजवाइन का सेवन रोजाना करें, इससे भी यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी। विटामिन सी से भरपूर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, क्योंकि विटामिन सी यूरिक एसिड को टॉयलेट के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। विटामिन सी के मुख्य सोर्स हैं अभी ठंडी के दिनों में आंवला, संतरा, नींबू, इन सब का प्रयोग अधिक करें। सलाद में रोजाना 1/2 या 1 नींबू खाएं। इसके अलावा दिन में कम से कम 1 बार 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़कर पिएं। बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं तो तुरंत बंद कर दें और खाने में फल, सब्जियां और फाइबर फूड शामिल करें। राजमा, छोले, चावल, मैदा, रेड मीट जैसी चीज़ें ना खाएं। रोजाना सेब खाएं। सेब में मौजूद एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइट कर देता है, जिससे ब्लड में इसका लेवल कम हो जाता है। यूरिक एसिड कम करने के लिए तले भुने और चिकनाई युक्त भोजन से दूर रहें। घी मक्खन से भी दूरी बनाएं। अगर इन दिनों 500 मिलीलीटर विटामिन सी लेंगे तो यूरिक एसिड 2 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा। सुबह पानी पिएं, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोजाना पिएं। पानी ज़्यादा पिएंगे तो शरीर की जो गंदगी है वो शरीर के साथ बाहर निकलेगी। रोजाना खाना खाने के बाद 1 चम्मच अलसी के बीज चबाएं। यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर अगर गठिया की परेशानी हो गई हो तो घबराएं नहीं। बथुआ का साग या पत्ते को जूस निकालकर रोजाना सुबह खाली पेट पिएं। उसके 2 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं। रोजाना ऐसा करने पर कुछ वक्त बाद यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मदद करेगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।